हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 क्लासेस काला पेपर में। तो गाइस, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड और एनुअल एग्ज़ाम के लिए मैं आपको 10th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको टेक्स्ट बुक से फर्स्ट फ्लैट से लेकर आया, जो आपको एनुअल एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। और इन ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव को रीड या राइट नहीं करना है। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें और पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, जो 4 मार्क्स के आपको एनुअल एग्जाम में हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में आपको आएंगे, और इनको आप सॉल्व आसानी से कर लाओगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका एक बार फिर A1 क्लासेस काला पीपल में। तो गाइज, आपको लिए मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर यहाँ पर आया हूँ, जो आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको, जो आपको है ना, जिसमें इसके बाद आपको एक और वीडियो डलेगा जो आपको ग्रामेटिकल का इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल है वो डलेगा, और हमारे जो चैनल है उस चैनल पर आपको एक नंबर मिलेंगे, उस नंबर पे आप PDF के लिए भी मैसेज कर सकते हो, जो इसका आंसर शीट आपको पूरी की पूरी है ना PDF सहित आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन, हु रीड द लेटर्स सेंट बाई लेंचो, लेंचो के द्वारा भेजा गया लेटर किसने पढ़ा था? तो पहला वाला जो आएगा हमारा आएगा द पोस्ट मास्टर। ठीक है, पहला कौन सा आएगा? पोस्ट मास्टर आएगा। और हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन लेटर टू गोट, ए लेटर टू गोट के लेसन का लेटर राइटर का नाम क्या है? तो GL फ्लुएंट है। क्या है? GL फ्लुएंट। ठीक है, वाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्या सोचता था जो लेंचो उनको? तो बंच ऑफ क्रॉक्स। ठीक है, बंच ऑफ क्रॉक्स आएगा। और हाउ मेनी पीसोस अरेंज बाय द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने कितने पीसेस अरेंज करे थे? तो 70 पीसोस। ठीक है, कितने पैसे अरेंज किए थे? पीसोस 70 पीसेस। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में आपको जो नेक्स्ट मिलेगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका कि हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, लेंचो कितने पैसे चाहता था? तो लेंचो आपको बताएं है ना 100 पीसोस चाहता था। द फील्ड लुकड एट इज द कवर्ड इन, है ना, कैसी हो गई थी जो फील्ड है हमारी, वो फील्ड कैसी हो गई थी? सॉल्ट की तरह पूरी की पूरी सफ़ेद दिखाई दे रही थी, कि लेंचो के जो फील्ड है वो पूरी तरीके से स्टॉर्म ने ख़राब कर दी थी। लेंचो हैड ग्रोन, है ना, इन इस फील्ड, लेंचो ने अपने फील्ड में क्या बोया था अपने खेत में? तो उसने बोया था है ना कॉर्न बोई थी, मक्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था? तो लेंचो का घर कहाँ पर था? ए टॉप ऑफ हिल, क्या आएगा? ए टॉप ऑफ हिल आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ए टॉप ऑफ हिल। ठीक है, ये टॉप ऑफ हिल आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका रहेगा कि एक सेकेंड ऊपर निकल गया। लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ, लेंचो ने जो मतलब रेनड्रॉप्स थी बरसे की बड़ी बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर किया है? तो वो किया है ना न्यू कॉइन्स से। ठीक है, न्यू सिल्वर कॉइन्स कहा था उसने। व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचोस फील्ड, लेंचो की फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय किया था? हेल स्टोन्स ने, है ना, बर्फ के बड़े बड़े पत्थरों ने। लेंचो हैड फेथ इन, लेंचो को किस पर भरोसा था? है ना द गॉड, भगवान पर भरोसा था। व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, अब लेंचो को पैसे की जरूरत क्यों थी? तो लेंचो को पैसे की जरूरत थी काय के लिए? ट्रैक्टर खरीदने के लिए, सेव हिज फैमिली। तो उसका फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, टू सेव हिज फैमिली। ठीक है, लेंचो रोट ए लेटर टू, लेंचो को लेंचो जो था है ना, जो उसका लेटर था वो किसको लिखा था? तो उसने लिखा था गोट को, तो गोट आ जाएगा। हु इज द पोएट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के राइटर कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। क्या, कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो गाइस, यदि आपको इस जो वीडियो है, इस वीडियो की आपको यदि PDF चाहिए और इसका आंसर शीट चाहिए, तो आप ये वाले नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, है ना, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, है ना। तो
यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर शीट से ही। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता हमारा कि व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो, क्या फेंका था उसके ऊपर? डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट आगे आता है कि द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड बाय द पोएट, डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड बाय द पोएट। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड बाय द पोएट, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा सी, चेंजिंग इज मूड, उसका मूड को चेंज कर दिया। ठीक है, वेयर वाज द क्रो सीटिंग, कोवा कहाँ बैठा हुआ था? तो ऑन ए हिमलॉक ट्री, क्या आएगा, आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाएगा 17 का। 18 में आएगा कि व्हाट इज द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो क्या करता है कि डस्ट ऑफ स्नो में कौन, मतलब कवि क्या सेव करता है? तो वो करता है कि सम पार्ट ऑफ द डे। ठीक है, सम पार्ट ऑफ द डे। ठीक है, सम पार्ट ऑफ द डे। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और 19 क्वेश्चन आता है कि हु हैज, है ना, हु हैज रिटन इन द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस को किसने लिखा है? तो फायर एंड आइस को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है, तो इसका 19 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। 20 का रहेगा व्हाट डज द आइस सिंबलाइज फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस का सिंबलाइज क्या है? तो फायर एंड आइस का जो सिंबलाइज है हमारा जो फायर एंड आइस का, तो ए है। ठीक है, क्या रहेगा कि आइस का मतलब होता है डिजायर। ठीक है, आइस का मतलब होता है डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 21 कि व्हाट डज फायर सिंबलाइज, फायर का सिंबलाइज क्या है? अब फायर का सिंबलाइज क्या जाएगा? हेटेड आ जाएगा। क्या जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, हेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेरिस, पेरिस का मीनिंग क्या जाएगा? तो पेरिस का मीनिंग होता है बर्थ। ठीक है, सॉरी बर्थ नहीं आएगा, डाई आएगा, है ना, पेरिस, है ना, मतलब स्वर्ग, है ना, और स्वर्ग मरने के बाद ही मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा? तो वर्ल्ड पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द नेशनल मंडेला व्हाट इज करेज, नेशनल मंडेला के लिए व्हाट इज करेज, करेज क्या है? तो ट्रंप ओवर फियर। ठीक है, ट्रंप ओवर फियर मतलब हमारे डर के ऊपर जीत। अकॉर्डिंग टू नेशनल मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो इट्स पीपल। ठीक है, जब मतलब वेल्थी रहेगी कंट्री, कब वेल्थी रहेगी? जब हमारे जो लोग हैं, है ना, हमारे जो लोग हैं ये वेल्थी रहेंगे, ये मतलब स्वस्थ रहेंगे, तो ये अच्छे रहेंगे। तो विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? तो मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी। कौन सी पार्टी की थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्टेड, है ना, कौन कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट इलेक्टेड किए गए थे? तो 2, है ना, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अभी भी 2 राष्ट्रगान चलते हैं, है ना, वहाँ पे नेल्सन मंडेला ने जब वहाँ से पहली बार जब वो वहाँ के राष्ट्रपति बने थे, है ना, तो वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा वो चेंजेस किया कर दिया था, काले और गोरे का बहुत भेदभाव था वहाँ पे। आपने चैप्टर कंप्लीट किया होगा, ठीक है, और आपने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो A1 क्लासेस के जो हमारा चैनल है A1 क्लासेस, है ना, आप A1 क्लासेस पे जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हो, या फिर हमारे जो चैनल है, जो इंस्टाग्राम आईडी है ना, ऑफिशियल A1 क्लासेस पे जाकर भी आप बहुत सारी चीज़ों को रन कर सकते हो। होम डिड मंडेला वांटेड टू थिंक, है ना, मंडेला ने किसको थिंक कहा था? तो पैट्रियट्स, है ना, पैट्रियट्स को किया था। नंबर सी आ जाएगा उसका ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज द डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द क्रिएट, ठीक है, तो इसमें आएगा, इसका भी सी आएगा, हाईएस्ट क्रिएशन। ठीक है, हाईएस्ट कैरेक्टर कि व्यक्ति का जो कैरेक्टर होता है ना वो अच्छा होना चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ द अनदर मैन, ठीक है, तो प्रिजन ऑफ द हेटेड, प्रिजन ऑफ द हेटेड ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन आ जाएगा आपका, है ना, उसका ऑप्शन नंबर भी बी आएगा, लव। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर जाकर हमारे नंबर पर आप पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हो, आपको आपकी पूरी की पूरी आंसर शीट सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबरों पर आप पीडीएफ कर सकते हो। ठीक है, और आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, पुराने वीडियो भी आप देख सकते हो जिसमें IMP क्वेश्चन है, IMP चीज़ें डली हुई है, अभी नोट्स भी इशूज हो जाएंगे आपको, जिनको आपको वही नोट्सों को सिर्फ पढ़ना रहेगा मेन एग्जाम के लिए। और विच फ्लेम कैन नेवर बी, है ना, एस्टिगाइज्ड, तो विच फ्लेम कैन बी,
तो इसका जो ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन हमारा जो रहेगा सीमेंट्स गुडनेस, है ना, द स्पेक्टिकल एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जस्ट जेट्स, है ना, वाज डिस्प्लेड बाय द, तो किसके द्वारा डिस्प्ले किया गया था, मिलिट्री के द्वारा। नेल्सन मंडेला वाज अकम्पनीड बाय, तो इसमें जाएगा हिज डॉटर, उनकी डॉटर के साथ, ठीक है, जो उनकी जेनानी, जो उनके डॉटर का नाम था, ठीक है। हु वाज द डॉटर ऑफ द नेल्सन मंडेला, तो इसमें जाएगा जेनम, क्या नाम आ जाएगा, जेनम, है ना, मिस्टर मंडेला की डॉटर का नाम क्या था, जेनम। हु इज रिटन द पोयम, हु इज रिटन द पोयम ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू को किसने लिखा है, है ना, ए टाइगर इन द जू को किसने लिखा हुआ है, तो लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, याद रखना, किसने लिखा है, लेस्ली नॉरिस इज द करेक्ट आंसर। द टाइगर लुक्स एट, जो टाइगर है वो किसको देखता रहता है, तो टाइगर किसको देखता है, स्टार्स को देखता रहता है, ठीक है, किसको देखता रहता है, स्टार्स को देखता रहता है। हु पासेस द नियर होल, तो डियर आएगा, हु पासेस द नियर होल, तो क्या आ जाएगा, डियर आ जाएगा। केज द टाइगर द विजिटर्स, तो जो पिंजरे के अंदर जो टाइगर है वो क्या करता रहता है, विजिटर को इग्नोर करता रहता है, क्या करता रहता है, इग्नोर करता रहता है। तो वेयर शुड टाइगर हाइड हिम सेल्फ, वेयर शुड टाइगर हिम सेल्फ, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका, तो इन द जू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइगर अपने आप को कहाँ छिपाता है, जू के अंदर छिपाता है, है ना। हु इज रिटन द स्टोरी फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट को किसने लिखा है, तो लियाम ओ फ्लेटरी ने लिखा है, किसने लिखा है, लियाम ओ फ्लेटरी ने लिखा है, ठीक है। और सॉरी, जो 41 जो आंसर है इसका, कि वेयर शुड द टाइगर हाइड हिमसेल्फ, तो वो अपने आप को अपनी शेडो में छुपाना चाहता है, क्या आएगा, शेडो, उसका जो आंसर है ना, ये करेक्ट आंसर है, शेडो। व्हाट वाज द सिगल अफेयर ऑफ, सिगल किस लिए डर रहा था, तो सिगल जो छोटा बच्चा था वो किस लिए डर रहा था, फ्लाइंग के लिए, उड़ने के लिए, क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाइंग थी, है ना, पहली उड़ान थी। व्हाई वाज द सिगल एग्जिस्टेड, है ना, क्यों, स्ट्रेंज एक्सरसाइज के कारण वो क्या हो रहा था, अलग अलग एक्सरसाइज कर रहा था, इसलिए बहुत ज्यादा वो थक गया था, ठीक है, क्या कर रहा था, वो बिल्कुल थक चुका था, ठीक है। नेक्स्ट, हु गेव द सिगल्स इन अ स्मॉल पीस ऑफ द, तो मदर सिगल ने उसको लाकर स्मॉल पीसेज, जो मछली के छोटे छोटे टुकड़े लाकर उसको दे रखे थे। व्हाट डिड द सिगल मदर टू गेट अ फिश, तो इसमें फिश आ जाएगा ऑप्शन। व्हाट डिड द मदर सिगल स्टॉप द मिडवे व्हाइल द फिशिंग शी गॉट, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, टू पुश हिम टू फ्लाई, उसको धकाया था उड़ने के लिए। द साइट ऑफ द मैंडेट द सिगल, तो किसके लिए मैंडेट किया गया था उसको, तो 48 जो आंसर है हमारा उसका जाएगा सी, फूड, फूड के लिए, है ना। व्हाट डिड हिज पेरेंट थ्रीटन हिम, मतलब उसे क्यों धमकी दे रहे थे, है ना, उसके उसको धमकी दे रहे थे कि टू स्टार्व हिम, कि तू भूख से मर जाएगा, तुझे उड़ना ही पड़ेगा, मतलब उसके जो साहस था, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा लो था, तो उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते थे वो, तो इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट कर रहे थे सभी लोग। द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, किसके बारे में, तो सीगल के बारे में। तो आप इसके आगे की वीडियो भी आप देख सकते हो, इसके PDF फाइल आप हमसे ले सकते हो, जो हमारे नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है कि 9575557, है ना, 570483, इस नंबर पे आप मैसेज करके आप इसकी PDF ले सकते हो, आंसर शीट सहित, और इम्पोर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चन भी अभी आपको डलने वाले हैं, और 10th और 12th दोनों के ही आपको मिल जाएंगे अभी, देखिएगा, है ना, पूरे के पूरे 130 आपको यहाँ पे 132 पूरे के पूरे टोटल क्वेश्चन है हमारे, है ना, जिसमें आपको एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और चैनल से जुड़े रहे ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके पास पहुँच सके, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।